हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैन कॉल के और यूनिकॉर्न माय डोर का एपिसोड नंबर 47 एंड ये टर्किश ड्रामा के अनुसार एपिसोड 7 का लास्ट पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ऐदा को सिरकान एक सी बीच के पास लेकर आता है। फिर सिरकान बोलने लगता है हाँ तो ऐदा, तभी ऐदा उसे बीच में रोककर बोलती है आपने कहा कि ऐदा इस विशाल भूमि पर परिदृश्य बनाती है। ये ऐदा पर भरोसा, आपने कहा मैं इसे कैसे करने जा रही हूँ? सिर्फ इसलिए कि मेरे पास डिप्लोमा नहीं है, कोई और मुझसे अपनी बालकनी डिज़ाइन नहीं करवाएगा, वह भी सही है। लेकिन आपने कहा मुझे भरोसा है, आपने कैसे कहा यह सब? सिरकान बोलता है बेशक आप इसे स्वयं नहीं करेंगे। फिर मैंने तुर्की में सबसे अच्छे लैंडस्केप आर्किटेक्चर में से एक की व्यवस्था की, वह भी कि आपसे सलाह लेके। आपने रिलैक्स किया? फिर ऐसा बोलती है मैं सही थी, तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। फिर सिरकान पूछता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सुबह से समस्या पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है? ऐदा बोलती है तुम मेरी चिंता का कारण हो, जब से मैं तुमसे मिली हूँ मैं अपने सिर से बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, इसे शामिल होने का नाटक करना शामिल है। सिरकान बोलता है शायद आप नहीं जानते कि आप क्या हासिल कर सकते हैं, देखिए जमीन की बनावट, उनके विचार सब आपके हैं। वह आदिल हनीम वह व्यक्ति है जो आपको सलाह देगा, वे जो कहेंगे आप वही करेंगे। कामकाज के बारे में है, यह कार्य निर्वहन के बारे में है, फिर आप अंततः तक हार नहीं मानेंगे, आप ऐसा कर पाएंगे? तो ऐदा बोलती है हाँ ठीक है मैं कर लूँगी। ऐदा बोलती है लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा, लेकिन अनुबंध समाप्त होने के बाद क्या? सिरकान काफ़ी सोचकर बोलता है मुझे यकीन है कि आपने अनुबंध के अंत तक डिज़ाइन तैयार कर लिया होगा, बाकी काम एजिल हनीम कर लेंगे। और फिर ऐदा बोलती है हमेशा की तरह आपने सब कुछ सोचा? सिरकान बोलता है देखो ऐदा, मैं तुम्हें लैंडस्केप आर्किटेक्ट के रूप में कार्यालय में नहीं ले गया, यह व्यवसाय के बाहर कुछ है, इसलिए आपके काम के आवर्स अलग अलग होंगे। ऐदा बोलती है ठीक है मैं इसे संभाल लूँगी। ऐदा सिरकान को इस अवसर के लिए धन्यवाद देती है और फिर गाड़ी से उतरती है और एक इमोशनल म्यूजिक बजता है। उसके बाद सिरकान भी गाड़ी से बाहर उतरता है। फिर वे लोग उस महिला के पास जाने लगते हैं जिसके किए अंडर में ऐदा काम करेगी। फिर जाते वक्त सिरकान पूछता है क्या तुम एक्साइटेड हो इस काम के लिए? तो ऐदा पूछती है कि तुम क्या सोचते हो इस बारे में? मैं इतनी बड़ी ज़मीन डिज़ाइन करूँगी। सिरकान बोलता है आप नहीं कर सकते अगर आपको लगता है कि आप यह नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम ये कर लोगी। ऐदा बोलती है तो मैं कर लूँगी। सरीन को दिखाया जाता है जो कि एंगिन के कमरे में खड़ी रहती है और फिर एंगिन भी सिग्नेचर्स कर रहा होता उस फाइल पर जो कि पिलिल उसे कल ला कर दी थी कल पिछले एपिसोड में। पर अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अपने लिस्ट का जाकर चेक कर सकते हैं पिछला एपिसोड। फिर सरीन एंगिन को बोलता है क्या मैं अपने फ्रेंड से थोड़ी देर अकेले में बात कर सकती हूँ? एंगिन बोलता है ठीक है। फिर बोलती है मेरे प्रिय हमारी योजना क्या थी? एंगिन बोलता है यह क्या था? सरीन बोलती है तुम पेरल से दूर रहोगे मेरे करीब रहोगे, तुम उसे इग्नोर करोगे और मुझे देखोगे। क्या हमने इस तरह की कोई बात नहीं की एंगिन, तुम क्यों नहीं? एंगिन बोलता है ठीक है मगर मैं ये नहीं कर सकता। तो सरीन बोलती है तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम ये नहीं कर सकते? हाँ तो माजरा ही कुछ और चल रहा है, ये पेरल को जलाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग मिलकर। फिर एंगिन अपनी सीट से उठ जाता और फिर सरीन को बोलता है देखिए मैंने कुछ देखा, मुझे नहीं लगता कि यह बहुत कुछ लगेगा, मैं समझ सकता हूँ और मैंने इसे अंतीलिया में अजमाया लेकिन हम नहीं कर पाए, यह हमारे काम की तरह है। सरीन बोलती है इसका क्या मतलब है नहीं होगा? मैं तुमसे कहती हूँ कि यह होगा, हम साथ रहेंगे चिंता मत करो। वहाँ पर पीछे से पिल आ जाती है और फिर सरीन बात पलट देती है और बोलती है अब जबकि इस ज़मीन के बारे में हमारी बातें ख़त्म हो गई हैं क्या हमें ऐदा सिरकान के बारे में थोड़ी बातचीत करनी चाहिए? फिर उसे आँखों से इशारा करके बोलती है हाँ बोलने के लिए। तो फिर एंगिन बोलता है हाँ हाँ वह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, वह क्या करने जा रहे हैं, हम किस रास्ते में चलेंगे? फिर बोलती है मैं कॉफ़ी ख़रीदने गई थी, क्या आपने अभी तक अपना भाषण ख़त्म नहीं किया? फिर सरीन बोलती है मैं कहती हूँ कि मैं आज जाऊँगी समाचार प्रकाशित करने वाली पत्रिका प्रकाशन से मिलूँगी। लगता है कि जब कोई वकील उसके सामने खड़ा होता है तो वह बोलना सीखता है। पिरिल बोलती है हमारे प्रेस पीआर कार्यों में केवल सेलिन की दिलचस्पी है, आपको कुछ भी करने से पहले और बाद उससे परामर्श करने की आवश्यकता है। सरीन बोलती है जब लेकिन मुझे जब भी कुछ ठोस मिलता है पहले ही पता है कि मुझे सेलिन हनम से बात करनी है। फिर दोनों हाँ हाँ बोलते हैं और तभी एंगिन का फ़ोन बजता है। अप्स वो फ़ोन सरीन का था और उसे एंगिन उठाकर सरीन को देता है, बोलता है आपका फ़ोन बज रहा है। फिर सरीन किससे फ़ोन पर बात करने लगती है और फिर पिरिल इस बीच बोलती है आइए इस पर एक नज़र डालते हैं, एक मिनट एंगिन बोलता है और फिर सरीन की बातें सुनने लगता है। सरीन बोलती है ठीक है मैं ऑफिस आ रही हूँ और एंगिन उसकी बातें सुन रहा होता है पीछे खड़े होकर।
फिजूल को इग्नोर करके। और फिर वह बोलती हैं अंगिन को कि मुझे ज़मीन को लेकर आपात स्थिति में बाहर जाना है, लेकिन जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें घर ले जा सकती हूँ अगर तुम चाहो। तो फिरल बोलती है नहीं नहीं बहुत बहुत धन्यवाद, मैं एंगिन को छोड़ दूंगी। फिर एंगिन फिरल को देखने लगता है, फिर सरीन और फिरल के बीच थोड़ी बहस हो जाती है एंगिन को घर छोड़ने के लेकर। एंगिन आश्चर्यचकित होकर देखने लगता है दोनों को। सिर कान को दिखा जाता है जो कि अब तक उस महिला के पास नहीं पहुंच पाए थे जो कि एडा की हेल्प करने वाली थी। दोनों सिर कान लोगों से बातचीत करते हैं पहुँच कर। ये एक प्रोजेक्ट है इसलिए हमें भी नहीं बताया गया कि ये लोग क्या डिसाइड कर रहे हैं, आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा। ये फिरल को सलीन से बात करते हुए दिखा जाता है और वह बोलती है हमने भले ही इस कंपनी की स्थापना की है लेकिन हम इसे नियंत्रण में नहीं कर पा रहे हैं अब। सलीन बोलती है क्या हुआ? फिरल बोलती है अगर उसकी किस्मत खत्म हो गई तो उसकी दोस्त भी खत्म हो गई। जानते हैं कि सरीन वह वकील वह सुबह कार्यालय में है। सरकार सगाई अनुबंध से संबंधित में कानूनी कार्रवाई करने के लिए दृढ़ संकल्प कर कर बैठी है वो। फिर सलीन बोलती है ये मुझे पता है। इस पर चिंता जताते हुए फिर और सलीन के बीच कुछ देर बातचीत होती है। सरीन को सरकान के ऑफिस से जाते हुए दिखाया जाता है, तभी उसके पास एंड्रोम आता है और वो बोलता है सरीन। तब फिर वह पीछे मुड़ती है और बोलती है एंड्रोम क्या हुआ? बोलता है एंड्रोम मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तो सरीन बोलती है मेरा मगर ऐसा क्यों? फिर एंड्रोम बोलता है फीफी के साथ क्या हो रहा है? फीफी ठीक है? फीफी क्या कर रही है? फीफी से कोई बात खबर? क्या तुम आ रहे हो? मैलो आ रही है। फीफी क्यों नहीं आ रही है? क्या तुम दोस्त नहीं हो? तुम इस लड़की को अकेला क्यों छोड़ रहे हो? वह धीरे धीरे गुस्सा होते जा रहा था और फिर आगे बढ़ते जा रहा था एक कदम। तो फिर सरीन से बोलती है 1 मिनट रुको, 1 सेकंड शांत हो जाओ, यह फीफी का काम हो सकता है, लड़की व्यस्त है बहुत, तुम भी हारा भी क्या करोगे? फिर एंड्रो बोलता है तुम्हारा मुझसे क्या मतलब है? क्या यह मेरी भावना नहीं हो सकती? मैं इसे नहीं देखता तो मैं शायद इसकी याद आती है मुझे। और फिर सरीन बोलती है क्या आपको फीफी पसंद है? एंड्रोम अपनी तारीफ में बोलता है तो मैं अब ज़्यादा करिश्माई और हैंडसम हो सकता हूँ। सरीन इस बात को सुनकर हंसते रहती है। फिर बोलती है ठीक है इस बारे में हम निश्चित रूप से बाद में बात करेंगे ठीक है। फिर वह टैक्सी में बैठकर चली जाती है। फिर सरीन और फरीद को बैठे हुए दिखा जाता है। फिर सरीन के बारे में बताती है और फिर बोलती है कि वह आप पे केस करने की बातचीत कर रहे हैं अगर आप उन्हें पता चल गया कि वह आप हैं तो। और फिर इस टॉपिक पे वो लोग कुछ देर और बातचीत करते हैं, इसको शॉर्ट करने के लिए कुछ रास्ता निकालने के लिए सोचते हैं। फिर सिरकान को दिखाया जाता है जो कि स्पॉट पे जो महिला थी उसे धन्यवाद बोलते हैं और बोलते हैं हम आपके बहुत आभारी हैं, धन्यवाद आपका। फिर लोग वहाँ पे सामने लगता है। फिर तभी सिरकान को लैला का कॉल आता है। वो सिरकान ने लैला को कॉल किया था और फिर बोलता है लैला हमारा काम हो गया, क्या आप मुझे मेरा शेड्यूल भेज सकते हैं? तो लैला बोलती है क्योंकि एंगिन ने कहा था कि आप बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे तो आज आपका पूरा दिन खाली है, आपका कोई शेड्यूल में कोई प्लान नहीं है, आज आगे का कोई काम नहीं है। बोलता है अभी तो सिर्फ 3 बजे हैं लैला। तो लैला बोलती है हाँ सरकान। और फिर सरकान बोलता है लैला मेरे फिर से कुछ कहने से पहले मेरा दिन बर्बाद मत करो। फिर लैला सरकान को सॉरी बोलती है। फिर सरकान फ़ोन रख देता है। सरकान ऐदा को बोलता है कि आप उस मदीना को देखना चाहेंगे जिसका कि हम निर्माण करेंगे? बोलती है हाँ मैं देखना चाहूँगी, शायद यह प्रेरित करेगा मुझे। तो पूरा दिन खाली होने के बाद लोग क्या करते हैं? टाइम पास। तो ये लोग भी अपने स्पॉट पे टाइम पास कर रहे थे और पीछे से गाना बज रहा होता है ये। मीनवाइल ये लोग टहल रहे थे और फिर समुद्र की ओर देख रहे थे। कानों से एक चीज़ दिखाकर बोलता है हम उस तरीके का मरीना बनाने जा रहे हैं। तो ऐसा बोलती है कितनी अजीब बात है ना, हम एक खाली ज़मीन देखते हैं और फिर उस पर कुछ भी बनाने का सपना देख सकते हैं और वैसा कर सकते हैं जैसे कि कोई पेंटर पेंटिंग बनाता है। और बताता है जब हम छोटे थे तब हम यहाँ तैरने आते थे, बेशक हमारी माँ और पिता नहीं जानते थे, मैं एंगिन और कान। तो बोलती है क्या तुम अभी भी जवान नहीं हुए हो? पूछती है 1 मिनट क्या तुमने कान का नाम लिया, कान मोटेंगरो? तो सरकान बोलता है हाँ। सरकान बोलता है दरअसल हम हमेशा कान से कारों की रेस लगाते थे। लोगों के बीच और कुछ बातें होती हैं। फिर लोगों का पूरा दिन खाली चला जाता है। फिर एंगिन को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में किसी को बजट बता रहा होता है। तभी उसका फोन बजता है, वह कॉल सिरकान का था और वह पूछता है क्या न्यूज़ है अभी सिरकान? एंगिन बोलता है भाई अब हम फिर से कुछ खत्म कर चुके हैं, हमने उत्पादन लाइन को मंजूरी दे दी है, शेष कार्यों के लिए हम कहते हैं कि कल सुबह जारी रखेंगे। फिर एंगिन बोलता है हम इसे सुबह तक नहीं छोड़ सकते एंगिन। तो फिर एंगिन बोलता है भाई पूरी टीम घर जाएगी और आराम करने जा रहे हैं सब लोग। सरकान बोलता है सभी को मेरे पास आने के लिए कहो मेरे घर पर, आजकल तो इसका दूसरा ऑफिस का घर ही बन गया है। फाइनली जैसा कि सरकान हमेशा बोलता है वैसा ही होता है। तो फिर वह मान जाता है एंगिन और फिर सरकान कॉल रख देता है और फिर क्या बोलते हैं इस मामले में मैं घर भी नहीं जा रही हूँ, मैं तो आपके साथ रह रही हूँ है ना। सरकान बोलता है क्या आप कर्मचारियों में से एक नहीं है? हाँ लाइफ में कुछ ऐसा ही चाहिए था यार, वर्कर भी मंगेतर भी अनुबंध भी इसी से, ऑल इन वन पैक।
अदा की चाची को किचन में दिखाया जाता है, और फिर तभी फिर मतलब कि मैलो घर आती है, और फिर आयफर जो अदा की चाची है वह उसे मदद के लिए बुलाती है। बोलती है मुझे नींद आ रही है, मैं बहुत बुरी तरह से थक गई हूँ, क्या मैं ऊपर जाऊँ। घर अदा की चाची उसे जिद से बुला लेती है और फिर आटा मिलाने के लिए बोलती है। वे लोग कुछ बना रहे थे और उनके बीच कुछ बातचीत होती है। फिर और इस केक बनाते बनाते केक पे पाउडर छिड़कते छिड़कते अदा की चाची उससे सारी बातें निकलवा लेती हैं, कान और से कान के बारे में, क्या चल रहा था मैलो की लाइफ में, कान और मैलो की लाइफ में बता देती है कि कान और सिरकान एक दूसरे के अब दुश्मन है, पहले भी दोस्त हुआ करते थे। अदा की चाची बोलती है मैं किसी को नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। तो फिर मैलो खुश हो जाती है और बोलती है ठीक है। कान के मॉम को एक खूबसूरत ड्रेस में दिखाया जाता है बैठते हुए। फिर सिरकान क्या बोलती है लेप्टिकन को कॉल करो और उसे बुलाओ। तो फिर जब सेफी कॉल करता है उन्हें तो वो बोलता है मेरा खाने पे इंतज़ार मत करिएगा, मुझे देर हो जाएगी, और फिर कॉल रख देता है। बेचारा सेफी क्या जवाब दे। तो फिर सिरकान क्या बोलती है वह नहीं आ रहे हैं ना। सेफी बोलता है आया है, लेकिन तभी वह सेफी को चुप कराती है। सेफी द्वारा तैयार किए गए व्यंजन गली की बिल्लियों सेफी को फेंक दो, फिर एक कार को बुलाओ और फिर होल्डिंग के पास जाओ, लेप्टिकन की हर हरकत की तस्वीर खींचेंगे और चुपके से मुझे भेजेंगे। सही बोलता है एक सीक्रेट एजेंट की तरह। कान के यहाँ बोलते हैं जी हाँ बिल्कुल एक एजेंट की तरह। फिर सही पूछता है क्या मैं अब जाऊँ। तो फिर सर कान क्या बोलती है मैं आपको बताऊँगी कि यह कब होगा। फिर कान को दिखा जाता है और उसे एक आदमी कॉल करता है, और फिर बोलता है कान आप जो झूमर तैयार करना चाहते हैं मैंने उसकी तस्वीर ईमेल के द्वारा भेजी है। फिर कान बोलता है मैंने तस्वीरें देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब आप इसे अपनी वेबसाइट पर बिक्री के लिए लगा दीजिए और प्रेजेंटेशन मैं करूँगा। फिर वह कॉल रख कर किसी और को कॉल करता है और बोलता है क्या आप समाचार प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपको शीर्षक की याद दिलाना चाहता हूँ, टू टोन डिज़ाइन के झूमर सस्ती कीमत पर बिक्री पर है, मेरे लिए छोटी सी खबर काफ़ी है। तो मीडिया में भी यह खबर फैला देता है। फिर अदा को दिखाया जाता है जो कि सिरकान के घर पहुँच गई थी, फिर फ्रेश होकर बाहर आई थी। तो फिर और वह धूप की ओर जा रही थी तो सिरकान अदा को बुलाता है किचन के पास, कॉफ़ी बना रहा था। और फिर अदा पूछते हैं क्या हुआ, तो फिर बोलती है वो सिरकान बोलता है क्या तुम आओगी, तो बोलती है हाँ बोलो। तो फिर सिरकान पूछता है क्या तुम कहाँ जा रही हो, तो अदा बोलती है मैं कॉफ़ी खरीदूंगी, तब मुझे लगा कि मुझे मिल जाएगा। फिर सिरकान बोलता है दूसरी बात यह है कि तुम मेरे करीब नहीं हो, ये सब समझता हूँ, ये सिर्फ अनुबंध के कारण है ठीक है, पर तुम मुझसे भाग रही हो अब। अदा बोलती है नहीं मैं नहीं भाग रही। फिर सिरकान बोलता है नहीं तुम भाग रही हो। अदा कुछ देर सोच कर बोलती है मैं उलझन में हूँ अब। फिर सिरकान उसे कॉफ़ी सर्व करता है, फिर वो कॉफ़ी लेकर चली जाती है, एक इमोशनल म्यूजिक बजता रहता है। और भी अपनी टीम के पास जाता है बैठने। एक सेकेंड, आज इसकी पूरी टीम यहाँ नहीं थी, आज सिर्फ एंगिन पेरे लैला थे यहाँ पर, मतलब ये सारे लोग चले गए और ये तीनों की जॉब अभी भी चल रही है, हाय ज़्यादा काम करने वाले लोग। और फिर सिरकान की मॉम को दिखा जाता है जो कि हॉर्सेस को देखने आई थी, और फिर उन्हें कुछ खिला रहा था सेफी। फिर तभी उसकी नज़र सिरकान के घर की तरफ जाती है, और फिर वो बोलती है सिरकान इस समय घर आया और अपने साथ पूरे कार्यालय को भी उठा लाया, इसके पिता बाहर कार्यालय में काम कर रहे हैं और इसने पूरे घर को ही कार्यालय बना दिया, क्या उसे पता है कि एलेप्टिकन कहाँ है। सेफी बोलता मुझे लगता है कि उन्हें पता होगा। फिर सिरकान क्या बोलती है कि वह फूल वाली लड़की भी सिरकान के बगल में है, बोलता है श्रीमती ऐदा और साथ ही पूरा ऑफिस है। सिरकान क्या बोलती है हाँ ये जानते हैं कि केक कुकीज़ और साथ में क्या हो रहा है। फिर सैफी गाजर खा रहा होता, तो फिर सिरकान क्या बोलती है आप गाजर खाना बंद करिए, वे सब घोड़ों के लिए हैं। फिर सिरकान एंड टीम को दिखा जाता है, फिर एंगिन बोल रहा होता तो हम तैयार करने लगे लेकिन अब मैं प्रोडक्शन की तरफ रुक सकता हूँ, लगता है कि एक असेंबली की आवश्यकता होगी। फिर सिरकान बोलता है ठीक है टेक्स्ट को इसे हैंडल करने दे। एंगिन का फ़ोन बजता है, फिर से कान का फ़ोन आता है और वह बहुत गुस्से में आ जाता है, और फिर बोलता है कान ने देख रहा है। फिर कान बोलता है मुझे आश्चर्य है कि वह अब किस तरह की परेशानी में है। फिर बोलती है इसे मत उठाओ वह हमें परेशान करेगा। फिर से कान बोलता है कि इसे स्पीकर पर डालो। फिर कान बोलता है मैं तुम्हारे अहंकारी रवैये से थक गया हूँ, तुम बहुत शांत हो, तुम्हारी नाक बहुत ही बड़ी हो गई है। फिर एंगिन बोलता है भाई हमारे पास कोई वर्क फोर्स नहीं है, बहुत अधिक मत पकड़ो मुझे, जल्दी से बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। कान बोलता है बहुत अच्छी रचना की है आपने, अपने इसे एक विश्व प्रसिद्ध होटल को बेच दिया, मैंने खबर देखी बधाई हो। रंगीन बोलता आप अपने व्यवसाय पर थोड़ा ध्यान देना चाहते हैं हमसे एक ब्रेक, शायद आप कुछ पैदा कर सकते हैं भाई, चलो धन्यवाद। फिर कान बोलता हालांकि आपका निम्नलिखित डिज़ाइन पहले से ही शीशान में एक दुकान निर्माण कर रहा है, प्रसिद्ध होटल के बारे में कोई खबर है।
अंगिर बोलता, तुम्हारी किस बारे में कुछ बोलने की इच्छा थी? तो कान बोलता, मैं कहता हूँ विदेशियों को एक शीशे के मूल डिज़ाइन के साथ खेलते हैं। अंगिर बहुत गुस्से में आता है, देखो मेरी तरफ, मुझे देखो, मुझे वहाँ मत पहुँचने दो, मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ और तुम्हारा हड्डी पसली तोड़कर एक कर दूँ। फिर कान बोलता है, मैंने तस्वीरें भेजी हैं, फिर से आराम से जाओ, और हाँ तस्वीरें देखकर ज़रूर बताना कि कैसे हैं। कॉल बंद कर देता है। फिर एंगिन के फ़ोन में वह झूमर की तस्वीरें होती हैं। फिर एंगिन बोलता है, इसने हमारा डिज़ाइन चुरा लिया था। लेकिन प्रिल पूछती है, कैसे सिरकान है? फिर थ्रिलर म्यूजिक बजता है। फिर सिरकान बोलता है, डिज़ाइन के साथ केवल एक फ़ाइल थी, आपके पास थी वह ऐदा? ऐदा बोलती है, हाँ मेरे पास है। प्रिल ऐदा को और फिर सिरकान एंगिन को देखते हैं, और फिर ऐदा बोलती है, मैं पेटेंट के लिए गई थी, फिर कान के हाथ कैसे पहुंचा? कान बोलता, तो फिर ऐदा बोलती है, मुझे कैसे पता चलेगा? फिर कान बहुत गुस्से में आता है, बोलता है, ऐदा अगर तुम कुछ चाहो तो अच्छा सोचो, अब यह तुम्हारे सिवा और कोई नहीं हो सकता। ऐदा खड़ी हो जाती है और बोलती है, क्या आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? फिर कान बोलता है, हाँ पूरे दिन आपके पास वह फाइल थी, यहाँ किसी ने छुआ तक नहीं, अपने फाइल निकाल ली। फिर ऐदा बोलती है, तो तुम कहना चाहते हो कि मैंने इसे कान को दिया? तो फिर कान बोलता है, तो और कौन दे सकता है? ऐदा, तो वास्तव में इसके बारे में सोच, कृपया क्या इसके लिए कोई स्पष्टीकरण है? फिर ऐदा बोलती है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूँगी? क्या आप मुझे बिल्कुल नहीं जानते? फिर सिरकान बोलता है, ऐदा वह आदमी हमें तस्वीरें भेज रहा है फ़ोन पर, यह कैसे जहाज करता है, इसके बारे में मैं उत्सुक हूँ। तस्वीरें आदमी तक पैसे पहुँच सकती हैं। फिर ऐदा बोलती है, मेरे पास पूरे दिन फाइल थी, लेकिन मैं इसे आपके पास वापस ले आई। सिरकान बोलता है, मुझे बस जवाब चाहिए। आप जवाब नहीं दे सकते, आप जानते हैं, क्योंकि आप गलती की हैं, आप दोषी हैं और दोषी महसूस कर रहे हैं, आप पहले से भी पूरे दिन टाल चुके हैं। ऐदा को भी गुस्सा आ जाता है और बोलती है, सुनिश्चित करें कि यह नहीं है, फिर क्या? और वो दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। सिरकान लास्टली पूछता है, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका सीधा सीधी प्रश्न का उत्तर दो, क्या आपने कान को फाइल दी थी? कर एंगिन खड़ा हो जाता है और बोलता है, सिरकान। वह एंगिन को चुप करा कर बैठा देता है। सिरकान प्रिल भी उसे आंखों से इशारा करती है, बैठ जा। फिर सिरकान बोलता है, मुझे उत्तर दो। तो फिर अदा पूछती है, सिरकान क्या आप अभी भी गंभीर हैं? अगर आप वाकई में सीरियस हैं, मैं अब जा रही हूँ, मैं तुम्हारा चेहरा फिर कभी नहीं देख सकते। और फिर काफ़ी देर सोच कर सिरकान गुस्से में बोल देता है, जाओ। और एक बहुत ही थ्रिलर म्यूजिक बजता है और फिर अदा वहाँ से चली जाती है। और इसी सीरियस टॉपिक के साथ हमारा आज का एपिसोड ख़त्म होता है, और अगले एपिसोड में जानेंगे कि आखिर क्या होगा अब आगे, गेसिंग्स क्या हो सकता है आगे, तो कमेंट में बताना और फिर अगले एपिसोड का इंतज़ार करना। अब देखना यह है कि सच का पता कैसे चलेगा। तो सी यू लेटर, अगले एपिसोड में जानेंगे बाकी चीज़ें। बाय बाय गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो अब, और फिर प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने अभी पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं। सी यू लेटर, बाय, इट्स मी साइनिंग ऑफ नाउ।